ये जो आप कनेक्टेड DRL लाइट देख रहे हैं, ये किसी कार की नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये है एक स्कूटर जो कि TVS ने हाल ही में लॉन्च किया है। ये है TVS जुपिटर 110, जिसमें काफ़ी बेहतरीन फीचर अब आपको देखने को मिलते हैं। ये इसका टॉप वेरिएंट है, जिसमें कि आपको आईगो असिस्ट मिल जाता है, डिस्क वेरिएंट है, और ये आता है स्मार्ट कनेक्ट फीचर के साथ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका प्राइस अगर हम बताएं, एक्सोरूम रहने वाला है 87,250 रुपी, ऑन रोड डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। अभी हम हैं गणेश TVS पे, जहाँ पर ये आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। और TVS का कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप शोरूम से कांटेक्ट कर सकते हैं, शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं क्या है इसमें खास। तो यहाँ पर देखिए, आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है हेड पर, और यहाँ मिलता है आपको LED हेडलाइट का सेटअप, जैसे कि TVS के जुपिटर में पहले भी आपने देखा होगा। और ये है TVS का लोगो, यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। तो ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, ये टॉप वेरिएंट है, साथ ही ये ब्लू कलर वेरिएंट है, हल्का सा या स्पार्कल ब्लू हम कह सकते हैं। इसमें जो लाइट ब्लू कलर रहता है, जैसे कि मैंने दिखाया था, एक यहाँ है और एक ब्राउन कलर और रहता है। तो कलर इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, 5 से 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको मिल रहा है DRL लाइट, और इंडिकेटर भी आपको इसी में ही मर्ज किए हुए मिलते हैं। हैजार्ड बटन का भी ऑप्शन इस स्कूटर में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, हैजार्ड बटन ऑन है, DRL लाइट ऑन है, इंडिकेटर कुछ ऐसे ब्लिंक करेंगे। तो LED में ही लाइटनिंग का सेटअप रखा गया है। आईगो असिस्ट मिलता है, जो कि आपको एक इंस्टेंट बूस्ट देता है ओवरटेकिंग के टाइम विद द हेल्प ऑफ मोटर। इस स्कूटर में आपको एक एक्स्ट्रा मोटर मिल जाती है, जिससे कि आपको एक इंस्टेंट पावर मिलेगी ओवरटेकिंग के टाइम पे। यहाँ पर आपको प्लास्टिक मिल जाती है, और ये मेटल मिलता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है स्कूटर की। रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और आपको 12 इंचेस के टायर मिलेंगे, 90x90 की टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको लगभग 220 mm की पेट्रोल डिस्क भी मिल जाती है, ये देखिए। और काफ़ी बेहतरीन ब्रेकिंग का सेटअप रहने वाला है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, तो ये देखिए कुछ ऐसी रहने वाली है। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको सेंट्रल स्टैंड, साइड स्टैंड दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है बीच में, जैसे कि आप सामान वगैरह भी कैरी कर सकते हैं, सिलेंडर वगैरह रख के ले जा सकते हैं। फुटबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बेहतरीन बात है, अंडर सीट स्टोरेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है इस स्कूटर में। यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप, तो E20 का भी सपोर्ट है। अब फ्यूल फिलर कैप आगे की तरफ है, तो टैंक पीछे हो ऐसा नहीं है, टैंक यहाँ पर ही रखा गया है, नीचे की ओर टैंक है इसमें। आगे ही टैंक का सेटअप है, यहाँ आई थिंक यहाँ कहीं है। साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुट रेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक फुट स्टैप मिल जाता है मेटल का। जुपिटर की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है, और ये देखिए TVS का आपको लोगो मिल जाता है। इंजन की अगर हम बात करें, इसमें आपको 113 cc का इंजन मिलता है, लगभग 8 PS की पावर है, 9.3 Nm के आसपास टॉर्क रहने वाला है। ये डिसेंट पावर है। पीछे भी आपको 90x90 का जो है ना टायर मिलेगा, और ये अलॉयज हैं, 12 inches के हैं, ये देख सकते हैं टायर प्रोफाइल। सस्पेंशन मिल जाते हैं, फ्रंट में हाइड्रोलिक मिलते हैं, जो कि पहले भी आते थे, और यहाँ पर आई थिंक एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको दिए जा रहे हैं। और ये देखिए टेल लाइट का सेटअप, तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, और इंडिकेटर भी आपको यहीं मर्ज किए हुए मिल जाते हैं। ये लुक देखकर आपको स्कूटर कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि ये चीज़ पहली बार किसी स्कूटर में देखने को मिल रही है। हालांकि अब तो ये हीरो की डेस्टिनी 125 में भी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से टीजर आ रहा है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट फॉलो किया है। तो रियर से लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है स्कूटर का, देख सकते हैं रोड प्रेजेंस कितनी शानदार रहने वाली है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, साइड में आपको मफलर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक सिल्वर फिनिश में गार्ड भी देखने को मिल जाता है। बाकी जुपिटर की ब्रांडिंग यहाँ पर है। सीट अच्छी खासी सीट मिल जाती है, अच्छा खासा आपको स्पेस मिलेगा, 2 से 3 लोग बहुत इजीली बैठ सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की सीट काफ़ी ज़्यादा लंबी आती है, और इसी वजह से जाना भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड कराई जाती है। ये देखिए कुशनिंग भी अच्छी है, फिट एंड फाइन भी ज़बरदस्त है। जुपिटर की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। अंडर सीट स्टोरेज अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए कुछ इतना स्पेस मिलता है। तो यहाँ पर 33 लीटर का बूट स्पेस है, मतलब कि 2 हाफ हेलमेट आप यहाँ पर रख के चल सकते हैं, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। तो ये स्पेस आपको दिया जा रहा है, अंडर सीट काफ़ी अच्छा स्पेस है। आगे की ओर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, ये देखिए डिसेंट सा स्पेस आपको फ्रंट में दिया जा रहा है, और यहाँ पर की सेक्शन मिल जाता है। तो ये देखिए लॉक अनलॉक कुछ आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर गाइड दिया गया है,
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है। की देखें तो कुछ इस प्रकार की आपको मिलेंगी, सिंपल सी की आती है यहाँ पर। और यहाँ पर है एक कैरी हुक जो कि 5 kg के कैपेसिटी के साथ है। फ्यूल फिलर कैप भी आ गई है। अब बात करें हैंडल बार की, तो यहाँ पर देखिए ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है लो बीम हाई बीम और पासिंग के लिए भी इंडिकेटर बटन मिल जाता है। यहाँ पर है इंडिकेटर के लिए बटन और यही है हैजार्ड बटन। इसको आप लगभग 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो जो हैजार्ड लाइट है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है। राइट साइड में देखें तो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है और यहाँ पर देखिए सेल्फ है, साथ ही वॉइस असिस्टेंट है। अब वॉइस असिस्टेंट है क्योंकि इसमें आपको ऐप कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो मीटर अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए फुली डिजिटल मीटर है। ये देखिए हेलो राइडर, यहाँ पर हेलमेट इंडिकेशन मिल रहा है, टाइम, इंजन चेक लाइट मिल जाती है, स्पीडोमीटर है, मोड दिखा रहा है, रेंज, और यहाँ पर ट्रिप समरी है, डिजिटल फ्यूल गेज है। अब ये चीज़ नॉर्मली आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर मोड के लिए बटन है तो आप प्रेस करेंगे तो आपको ऐसे कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऑडोमीटर मिल जाता है, 2 ट्रिप मीटर भी आपको देखने को मिलते हैं। सिलेक्ट का बटन है जिससे कि आप मीटर को मॉनिटर कर सकेंगे। अब जैसे ही आप इसमें मोबाइल कनेक्ट करते हैं या फिर ऐप कनेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं, मोबाइल SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट भी आप यहां पर देख पाएंगे। तो काफ़ी सारे फीचर आपको मोबाइल से भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस स्कूटर में आप देखने को मिलती हैं और काफ़ी एडवांस कर दिया गया है। आई थिंक सेगमेंट में ये पहला स्टेप है जो कि TVS ने लिया है यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट और कनेक्टेड DRL लाइट देने का। और इंडिकेटर बिल्कुल ही गायब कर दिए हैं क्योंकि इसमें ही मर्ज है, तो ये चीज़ देख के थोड़ा थोड़ा यूनिक सा फील होता है। अब सुनाते हैं इसका इंजन साउंड, तो कर लेते हैं ऑन और करते हैं स्कूटर को स्टार्ट। तो स्कूटर हो चुका है स्टार्ट और यहाँ पर देखिए रिफाइनमेंट सुनिए आप, स्कूटर का इंजन साउंड सुनिए आप, कितना ज़्यादा रिफाइनमेंट है। 110 cc का स्कूटर है, माइलेज भी अच्छा खासा मिलेगा। और यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिलता है, ये देखिए इंस्टेंट थ्रॉटल, फ्रंट में आपको दिखाते हैं इसका LED लाइट, ये देखिए कुछ इस प्रकार इसका थ्रो है। ये हो गया लो बीम हाई बीम और पासिंग, ये देखिए कुछ ऐसा थ्रो आपको देखने को मिल रहा है। सो LED लाइट है तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी नहीं, अच्छा खासा आपको लाइटनिंग का थ्रो जो है देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस स्कूटर में देखने को मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवांस अब स्कूटर को बना दिया गया है। तो कमेंट करके बताना दोस्तों आपको ये स्कूटर कैसा लगा। पिछली वीडियो में मैंने क्लियरली नहीं बता पाया था क्योंकि शोर वगैरह था, तो आई थिंक अब साउंड अच्छा आ रहा होगा। ये है नया जुपिटर 110 TVS जुपिटर का, ये टॉप वेरिएंट है, इससे बेस वेरिएंट भी आता है, लगभग 70,000-73,000 के आसपास से स्टार्टिंग है, जिसमें आपको डिस्क नहीं मिलेगा और स्मार्ट कनेक्ट का फीचर नहीं मिलता है, बाकी इंजन वगैरह सेम है, ये लाइटनिंग का सेटअप सेम मिल जाता है, ऐप कनेक्टिविटी भी बेस मॉडल में नहीं मिलेगी। लेकिन लुक्स वाइज मैं बताऊं और जिस हिसाब से इसमें फीचर दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्राइस को भी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें हैं जो कि 2024 में अब हर कंपनी अडॉप्ट कर रही है। कनेक्टेड DRL लाइट, कनेक्टेड लाइट, ये आपने चीज़ें कार में देखी होंगी जो कि अब एक 2-व्हीलर स्कूटर में दी जा रही है, वो भी 110 cc के। जुपिटर जो है ना सबसे तगड़ा कंपटीशन माना जाता था होंडा की एक्टिवा का, अब एक्टिवा को इसने क्लियरली पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ लुक और फीचर। एक्टिवा को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ चुका है क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे डिजिटल कनेक्टेड फीचर नहीं मिलते हैं जो कि आपको TVS जुपिटर में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी इंजन रिलायबिलिटी कैसी है ये आपको पता ही है सबसे। कमेंट करके बताना कैसा लगा ये स्कूटर, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी कार्स एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।